लू की थप्पड़ें, ठंड का प्रकोप, झमझमा बारिश या फिर कोरोना से हो रहा तूफान का सामना, बेबस गांव की भूख मिटाने का सिलसिला युवा समाज से भी विकास दादा द्वारा पिछले एक वर्ष से निरंतर जारी है। गोविंद कुंड अन्य और श्रीनाथ जी मंदिर चौक पूजरी और सूर्य कुंड जतिपुरा इन दिन स्थलों पर 400 किलोग्राम हरा चारा बेसहारा गायों के लिए डाला जाता है। गोवर्धन के गांव अन्योर निवासी विकास दादा ने 16 मई 2020 को इस सेवा की शुरुआत की थी, जिसमें 16 मई को इस वर्ष पूर्ण हो गया और यह सिलसिला शानदार तरीके से आज भी जारी है। विकास ने बताया कि करीब 80 गायें रोज चारा खाती हैं और अब इन गायों से हमारा गहरा संबंध बन गया है। ये गाय हर रोज जब तक हमारा अपना ई रिक्शा लेकर नहीं पहुँच जाते तब तक ये गाय अपने चारे की बाँट जोड़ती रहती हैं। साथ ही गायों का महीने का खर्चा 48,000 होता है। साथ ही विकास ने कहा कि कुछ फर्जी गौरक्षक गौ तस्करों से हर महीने मोटी रकम वसूलते हैं एवं सोशल मीडिया पर फर्जी गौरक्षक पोस्ट डालकर गौ भक्तों से प्रति माह गौ सेवा के नाम पर रुपए लेते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अवैध हथियारों के बल पर गौ सेवा नहीं हो सकती है। नाम है आपका? विकास। आपकी सेवा को एक वर्ष पूर्ण हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले वर्ष 16 मई से हमने यह सेवा शुरू की थी और आज एक 16 मई को इस सेवा को एक वर्ष पूर्ण किया। आप पीछे देख रहे हैं गोविंद कुंड का ये स्थान है। गोविंद कुंड पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट श्रीनाथ जी मंदिर पूछरी, तीसरा पॉइंट सूर्य कुंड जतिपुरा होता है। यहाँ पर 400 किलोग्राम चारा 16 मई से लगातार डाला जा रहा है बेसहारा गायों के लिए। इन बेसहारा गायों से हमारा ऐसा संबंध जुड़ गया, जब तक हम ई रिक्शा अपना लेकर नहीं पहुँच जाते उससे पहले ही हमारा ये इंतजार लगाए खड़ी रहती है, आस लगाए खड़ी रहती है कि हमारे लिए हरा चारा आ रहा होगा। तो विकास जी, इस सेवा के दौरान आपका कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, एक महीने में 48,000 रुपये का इसका खर्चा आ जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन फर्जी गौरक्षकों को बताना चाहता हूँ कि जो हर महीने गौ सेवा के नाम पर गौ तस्करों से हर महीने पैसे बड़े बड़े मोटी रकम वसूलते हैं, सोशल मीडिया पर इतने बड़े गौरक्षक बनते हैं कि गौ भक्तों से हर महीने उनसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से रुपए लेते हैं। ये गायों में शास्त्रों में गाय को माता कहा गया और माता की आड़ में जो लूट चल रही है बेहद ही निंदनीय है। और हमारी सेवा में भी उन लोगों ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं हो पाए।